हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस से एस्केप कर जाए तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ जी आर, या फिर इसका फॉर्मूला था 2gm डिवाइड बाय आर और इस पूरे का अंडर रूट। जब किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को इस वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो बॉडी अर्थ के एटमोस्फियर से एस्केप कर जाती है और इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कि हमें अर्थ के सरफेस से एक सैटेलाइट लॉन्च करना है जो अर्थ के अराउंड में रोटेट करता रहे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट का मीनिंग होगा कि एक हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर हम अर्थ के सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो अर्थ के चारों तरफ जो एक हेवनली बॉडी रिवॉल्व कर रही है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उस हेवनली बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून है वो किसका सैटेलाइट हो गया, अर्थ का सैटेलाइट है। मून अर्थ का सैटेलाइट है और किस टाइप का सैटेलाइट है, नेचुरल, मींस उसको हमने खुद नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया है। तो मून क्या हो गया, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मीनिंग क्या होगा कि जो सैटेलाइट मैन मेड है, जो सैटेलाइट मैन मेड है, मीन्स जब साइंटिस्टों ने खुद बनाकर उनको अर्थ के अराउंड में रोटेट करवाया है, उन सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था रसिया ने। रसिया ने सबसे फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक फर्स्ट, और ये कब लॉन्च किया था, 4 अक्टूबर 1957 के अंदर। तो इस सैटेलाइट को रसिया ने सबसे पहले लॉन्च कर दिया था और ये फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सेकंड नंबर पे जो सैटेलाइट था वो था, सेकंड नंबर पे नहीं, जो इंडिया ने लॉन्च किया था सबसे पहले, हम देखते हैं कि इंडिया ने सबसे पहले फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा बना था। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। और इस आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 के अंदर इंडिया ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया था। अब ये तो हो गया कि सैटेलाइट क्या होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, ये हो गई अर्थ। हमने मान लिया कि अर्थ के सरफेस पर यहां पर कोई टावर है, ये हो गया टावर। अर्थ के सरफेस पर एक टावर है और हम यहां से टावर पर खड़े होकर किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फॉल करते। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम टावर पर खड़े और उस चीज को ऐसे मूव करवाएंगे, उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देंगे। हॉरिजॉन्टली मीन्स इस डायरेक्शन के अंदर। जब हम किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते, मान लिया स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी v1 वेलोसिटी, तो यहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी दूर वो स्ट्रेट मूव करेगा और फिर वापिस से जाके अर्थ पर फॉल हो जाएगा। मान लिया इस टाइम पर वो फॉल होता है a पॉइंट के ऊपर,
तो जब हमने उस पार्टिकल को v1 वेलोसिटी से थ्रो किया तो वो अर्थ के सरफेस को टच करता है एट ए। फिर हमने इसको थोड़ी सी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ थ्रो किया v2 वेलोसिटी के साथ, और v2 की वैल्यू ग्रेटर देन है v1 से, तो अब ये थोड़ा सा और ज्यादा हॉरिजॉन्टल पाथ मूव करेगा और थोड़ी सी दूर जाके बी अर्थ की सरफेस को टच करेगा। मान लिया अब की बार ये कहां पर टच करेगा, बी के ऊपर। अब इसी तरह से हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे। देखो जो वेलोसिटी को इंक्रीज किया, एक बार कहां पर टच कर गया, ये सी के ऊपर v3, और v3 की वैल्यू क्या है, v2 से भी ग्रेटर है, तो उसने कहां पे टच किया, c के ऊपर। इसी तरह हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहे तो एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जब ये अर्थ के सरफेस पर टच करेगा ही नहीं, अर्थ के सरफेस को क्या कर देगा, मिस कर देगा। यहां पर हम लिखेंगे सैटेलाइट मिसेस द अर्थ सरफेस। यह अर्थ के सरफेस को मिस कर देता है। अब अर्थ के सरफेस को मिस कर देगा तो ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से अर्थ के अराउंड में एक सर्कल में रोटेट करेगा। और ये किसकी वजह से होता, नीचे क्यों नहीं गिरा, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे ना गिर के इसके चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि किसी भी सैटेलाइट को हम लॉन्च कैसे करवाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, अर्थ के अराउंड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी पता कैसे लगाएंगे, कि किस सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हमने कोई भी सैटेलाइट लिया और अगर हम अर्थ के सरफेस से उसको लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको कैसे लॉन्च करेंगे, कितनी वेलोसिटी हमें उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि उस सैटेलाइट को हमने पहले एक वेलोसिटी से देकर देखा फिर वो अर्थ के सरफेस को टच कर गया। लेकिन ऐसे तो क्या होगा कि वो सैटेलाइट गिरेगा तो यहां पर भी नुकसान होगा और वो सैटेलाइट भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही हम उसको डायरेक्ट ये वाली वेलोसिटी देंगे जिस पर वह अर्थ के सरफेस को मिस करके उसके चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम डिराइव कैसे करेंगे। तो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने माना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में जो ऑर्बिट के अंदर अगर हम एक सैटेलाइट को पुट करना चाहते हैं उसके लिए जितनी वेलोसिटी की जरूरत होगी उसी वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन के लिए हमने मान लिया कि अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। और जो अर्थ जो सैटेलाइट का ये ऑर्बिट है, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है उसकी अर्थ से हाइट कितनी है, अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, एच डिस्टेंस है। तो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई उसकी, टोटल अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस हो गई आर प्लस एच। तो इतनी डिस्टेंस पर हमें एक सैटेलाइट को पुट करना है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे कि जो सैटेलाइट को जैसे ही लॉन्च करेंगे तो हमें ये पता है कि अर्थ उसको अपनी तरफ, जैसे हमने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करवाया तो वो वापिस से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर हमें पर्टिकुलर वो वेलोसिटी देनी पड़ेगी जो उस वेलोसिटी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है।
तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होगा उतना ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम। मान लिया जो सैटेलाइट को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसका मास है स्मॉल एम, तो यहाँ पर होगा स्मॉल एम। कितनी हाइट है उसकी, अर्थ के सेंटर से उसकी हाइट है आर ये और एच ये, तो कितनी हो गई आर प्लस एच का स्केयर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्केयर बाई आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आर प्लस एच, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हम रखेंगे एम वी, और यहाँ पे वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ हमें उस सैटेलाइट को थ्रो करना है, और उस वेलोसिटी का नाम हमने क्या माना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हमने किया है वी नॉट से, तो एम वी नॉट स्केयर डिवाइड बाई R प्लस एच। अब हमें यहीं से ये वेलोसिटी निकालनी कि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, वो अर्थ जो सैटेलाइट का मास है उस पर डिपेंड करेगी या फिर नहीं करेगी, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे m से m कैंसल हो गया, R प्लस एच की एक पावर से R प्लस एच की एक पावर कैंसल हो गई, तो यहां से आता है वी नॉट का स्केयर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। अगर मैं स्केयर को इस साइड लेकर आती हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन आता है जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच। अब हमें पता है कितनी आएगी, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्केयर, तो यहां से जी एम किसके इक्वल आ गया, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्केयर, तो जी एम की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे जी आर स्केयर। जी एम की जगह क्या आ जाएगा यहां से जी आर स्केयर। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक डेरिवेशन है वो तो आ गया इस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्म में, मास ऑफ अर्थ की फॉर्म में। अब अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी फॉर्म में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जी एम की जगह हम पुट करेंगे जी आर का स्केयर और डिवाइड में आएगा आर प्लस एच, तो यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी आर स्केयर आर प्लस एच, और इसकी पावर हमने कितनी लिख दी वन बाई टू। अब अगर हम यहाँ पे मान ले कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उस केस में एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी आर के कंपैरिजन में। आर की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर। मान लिया जो एच की वैल्यू है हम कितनी ले लेते हैं 100 किलोमीटर ले लेते हैं, तो ये 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में एच क्या है स्मॉल है, तो इसलिए हम एच को इग्नोर कर सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो यहां पे आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू जी आर स्केयर और डिवाइड बाई आर, आर प्लस एच को हमने क्या पुट कर दिया है आर पुट कर दिया, और इसकी पावर वन बाई टू, वन आर से आर कैंसल, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट जी आर। अब जो एस्केप वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला तो क्या था टू जी आर, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी आर। जब हम यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 और अर्थ की रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 6.4 × 10⁻⁶, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है वो इस सैटेलाइट की वो वेलोसिटी है जिसके साथ अगर हम इस सैटेलाइट को ऊपर की तरफ लॉन्च करते हैं तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, और ये क्या बन जाता है अर्थ का एक सैटेलाइट बन जाता है। तो ये तो थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड निकालना पड़ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मीनिंग क्या होगा कि टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट ने कितना टाइम लिया है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में,
अर्थ के अराउंड में अगर हम सैटेलाइट देखना चाहते हैं तो उस अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी सैटेलाइट है वो कितने टाइम के अंदर अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर देगा अर्थ के अराउंड में। तो इसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी बोल लो या फिर यहां पे स्पीड बोल दो, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब डिस्टेंस यहां पे क्या है, अगर वो अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है तो क्या होगी यहां पे सरकमफ्रेंस। ऑफ ऑर्बिट, अब इस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइड बाय स्पीड, इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है ऑर्बिटल, या उसकी वेलोसिटी कितनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए, और उसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr + h डिवाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v0। तो ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। अब 2πr + h v0 की वैल्यू पुट कर देंगे, v0 की वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाले, v0 इज इक्वल टू gr² r + h और इसकी पावर 1/2। तो यहां से हमने पुट किया gr² इसकी पावर 1/2 और नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाएगी r + h की पावर 1/2। तो यहां से कितना आ गया 2πr + h की पावर 1 और प्लस 1/2 कितनी हो गई r + h की पावर 2/2, यहाँ पे कितना आ गया 1 + 1/2 3/2 और डिवाइड बाई gr² की पावर 1/2। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला कि वो कितना टाइम लेगा अपना एक राउंड को कंप्लीट करने में, यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें उस सैटेलाइट की हाइट निकालनी हो, जैसे क्वेश्चन के अंदर दे दिया हो, टाइम पीरियड दे दिया है और ये पूछ लिया कि उसकी हाइट कितनी होगी अर्थ के सरफेस से, तो यहां से हम सिंपली सॉल्व करेंगे, रीअरेंजमेंट करनी है चीजों की। जैसे यहां से हमने gr² को इस साइड लिया पहले, तो इसका क्या करना पड़ेगा, पावर सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब सैटेलाइट की हाइट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था इसको रीअरेंज करते हैं, 2πg और उसकी पावर यहाँ पे कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे जी को तो अंदर ही रखेंगे, जी को तो यहाँ पर अंदर ही रखा, r² है और इसकी पावर 1/2 है तो बाहर क्या आ जाएगा r आ जाएगा। यहाँ पर हमने रखा r + h, r + h की पावर है 3/2 और 1/2, नीचे जी की पावर भी कितनी है 1/2 और इसकी पावर भी 1/2, 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, और r + h की पावर 3, यहाँ पर r + h की पावर है 3/2 और यहाँ पर भी कितनी होगी 3 अंदर और 1/2 बाहर, तो पावर कितनी होगी 3/2 और g की पावर भी यहाँ पे कितनी हो गई, अब 1/2 हो गई। तो यहाँ से हमने इस तरह से इनको रीअरेंज कर लिया। अब हमें निकालनी है h की वैल्यू, h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्केयर करेंगे, तो यहाँ पे आ गया t². जब इस पूरे का स्केयर करेंगे, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, दोनों साइड हमने क्या किया स्केयर किया, तो 2π का स्केयर मीन्स 4π² और डिवाइड बाई r², यहाँ पे कितना आ गया r + h डिवाइड बाई g और इसकी पावर अंदर, ये 3 तो एज इट इज है, 1/2 से इसका स्केयर कैंसिल, मीन्स 1/2 का मतलब क्या था अंडर रूट और अंडर रूट का स्केयर, तो ये चीजें आपस में कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे पावर बच गई 3। अब हमें निकालनी है सिर्फ h की वैल्यू, तो t² r² को इस साइड ले जाओ, t² r²
और यहां से जी को भी उस साइड ले जाओ तो ऊपर चला गया जी, फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर को नीचे, और इज इक्वल टू आ गया आर प्लस एच की पावर क्यू। अब हमें सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी, तो इस तीन पावर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई फोर स्क्वायर, और इसकी पावर तीन को जब मैं इस साइड लेकर आऊंगी तो कितना हो गया वन बाई थ्री इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब यहां से हमें सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए तो आर को भी साइड ले आओ, टी स्केयर आर स्केयर जी फोर पाई स्केयर और इसकी पावर वन बाई थ्री माइनस आर इज इक्वल टू एच। तो इस तरह से हम हाइट ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये था कि ऑर्बिटल सैटेलाइट क्या होता है और उसकी हाइट और उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।